अभी तक आपने बिल्डर्स के निवेशकों से धोखाधड़ी करने और प्रोजेक्ट पूरा ना करने या फिर प्राधिकरण या अन्य विभागों का पैसा दबाने की खबरें देखी होंगे, लेकिन आज हम आपको बिल्डर्स की जालसाजी की वो सच्चाई दिखाएंगे जिसे देखकर आपका बिल्डर्स पर से भरोसा उठ जाएगा। रिपोर्ट देखिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में बिल्डरों की एक और मनमानी सामने आई है। यहाँ गुमराह करने को लेकर बिल्डरों ने जो अपने कंपनियों के पते थे वो तक गलत बता दिए, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश रेरा की तरफ से जारी किए जाने वाली कार्रवाई और नोटिस सही पते ना होने के चलते वापस आ रही हैं। निवेशकों को उनके घर का सपना दिखाकर लोगों के साथ ठगी करने वाले बिल्डर्स की एक और जालसाजी का मामला सामने आया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में करीब 400 से 500 प्रोजेक्ट्स चलाने वाले बिल्डर कंपनियों ने निवेशकों से पैसे लूटकर रफू चक्कर होने का प्लान तैयार किया है। इन बिल्डर कंपनियों के पते पूरी तरह फर्जी हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब यूपी रेरा ने इन कंपनियों को नोटिस भेजा तो नोटिस वापस आ गया। रेरा ने जब बिल्डर कंपनियों के पतों पर छानबीन शुरू की तो ये सभी कंपनियों के एड्रेस फर्जी निकले। नोटिस दिया गया कि क्यों ना उनका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डी रजिस्टर कर दिया जाए, तो उसके बाद जो उन्होंने उत्तर दिया वो संतोषजनक नहीं पाया गया और इसलिए रेरा प्राधिकरण ने ये निर्णय लिया कि इनके सारे पांचों के पांचों चरणों को जो है डी रजिस्टर अपंजीकृत कर दिया जाए। तो अब अपंजीकृत करने के उपरांत अब इस पर ये कार्रवाई चल रही है कि किस तरीके से को डेवलपर को लाया जाए और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। इन बिल्डर्स ने निवेशकों से पैसा तो ले लिया लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर अभी भी काम शुरू नहीं हुआ। इस तरह के प्रोजेक्ट की सबसे ज्यादा संख्या नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में है। अब रेरा के अधिकारी ऐसे बिल्डर्स पर कार्रवाई करने के लिए अखबारों में नोटिस निकालने की बात कर रहे हैं। एक तरफ बिल्डरों ने तमाम तरीके की जालसाजी निवेशकों के साथ की, दूसरी तरफ अब कंपनियों के पते भी फर्जी निकल रहे हैं। कैमरामैन सुमित मावी के साथ अमित चौधरी, जनतंत्र टीवी, ग्रेटर नोएडा।